जमाना बोलता है तभी बात सुने सुने वो चार मिसरे जो बहुत मुल्क में मशहूर हुए सुने दुनिया 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 कुछ नहीं बस ऐसे मैं सुनाता हूँ माशाल्लाह। तबीयत मेरी भी डिस्टर्ब है लेकिन जिनकी सनाखानी करता हूँ वो परवार है। कोई क्या पढ़ेगा एक मिसरा नहीं कोई पढ़ सकता। जिनकी मिदसराई कर रहा हूँ वो परवार है मुझसे। मैं फिर से पढ़ूं इजाजत है इजाजत है इजाजत है। बस मुझे आवाज आवाज लगनी चाहिए चाहिए थोड़ा दूर से भी पढ़ो पढ़ो ग्राम भाई आपका साउंड सिस्टम बहुत अच्छा बस आवाज बढ़ा के रखिएगा। तानवी की तबीयत अलील है लेकिन आपका सिस्टम बहुत अच्छा है। सामने जिंदा दिल लोग बैठे हैं शमीम भाई भाई मुलायजा फरमाए क्या हो दुनिया में जो नबी का नबी का दुनिया माशाल्लाह। एक शेर 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 क्या क्या दरबार मुस्तफा में आप लोग मेरा साथ हैं आप लोग मेरा साथ हैं। मैं मिसरा पढ़कर बहुत बार बार हाथों को बात करवा लेंगे हनत भी भाई ये भी बोलेंगे और जमाना भी बोलेगा क्या क्या हो दरबार मुस्तफा में दरबार मुस्तफा में शिफा Thank you.
हम सुन्नियों को लेकर रजा खान जाएंगे, क्या कहने माशाल्लाह। वाह वाह वाह, रुक जाओ बाबू बस करो, ऐसे हाथ में दे दिया, ऐसे मेरे हाथ में दे दिया। इसको रहने देते हैं, एक रहने देते हैं, आपको फूल का हार पहनाना है, मेरे हाथ में रख दे, ये सोचिएगा कि गले में पहना दिया। मैं पहुंचाता हूँ, हाजिर करता हूँ, मोहब्बत से कह दे अच्छा लगा चांद भाई, चलिए मैं अच्छा लगा तभी भाई, वो भी मिसरे सुन लीजिए ना, जब अब रंग बन गया है तो सुन लीजिए उसी अंदाज से, जिन मिसरों को सुनने के बाद एक एक सुन्नी झूमता है, अमा किसी को किसी पर नाज, 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 कोई किसी पे नाज करता, लेकिन हम सुन्नियों को जहाँ नाज है, जिन मिसरों को सुनने के बाद बनारस हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, एक एक सब ने मुझे दुआएं दी है, वो मिसरे मैं तबीब आलम तबीब की खूबसूरत निकाबत में उलमा की मौजूदगी में मैं पहुंचाने जा रहा हूं। मुलाहिजा फरमाए, चंपा 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 चंपा। कमजोर पड़ रहे, कमजोर पड़ रहे, हो चंपा पे नाज है ना, है ना, है ना, चंपा पे नाज है ना, चंपा पे नाज है ना, चंपा पे नाज है ना, चमेली पे नाज है, चंपा पे नाज है ना, है ना, है ना, चंपा ممتاز تانوی کا یہ مصرا کہ ہر عاشق رضا کو بریلی پہ ناز ہے۔ ارے بریلی کا نام سنتے ہی عاشقوں کو مچل جانا چاہیے، پورا مجمع ذرا جھوم کے کہہ دیجئے عشق محبت، عشق محبت، اور بڑا آواز سے عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، کیا بات ہے माशाल्लाह माशाल्लाह। चम चम पापा, चम चम पापा, चम चम पापा, चम चम पापा, नाज है ना, हो चम चम पापा, नाज है ना, चमेली पे नाज है, चम चम अरे वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
मदीने से सबा आकर यही नगमा सुनाती है, रजा के नाम से दुनिया ए उल्फत जगमगा। दो मिसरे मुझसे भी सुन लिए, बरेली का जिक्र आया, रहेगी चेहरे उल्फत पे ताबानी बरेली से, क्या कहने, रहेगी चेहरे उल्फत पे ताबानी बरेली से, मिला है आशिकों को जामे इरफानी बरेली से, हुकूमत छुप गई थी मुफ्ती आजम के कदमों पर, जमाना सीख ले आकर के सुल्तानी बरेली से। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे मौला, शाद रखे आपको, कामयाब रहे जहाँ रहे, खुश रहे। मैं पहुँचाता हूँ लाइजा फरमाए, दिल खुश हो जाएगा। अहबाब की ख्वाहिश की आप बैठ जाए, बैठ करके सुना दें, तो मैं सुनाने जा रहा हूँ। मुलायजा फरमाए, अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत देर तक वो शेर सुना सकता हूँ, और ऐसे ही अशार मेरे दीवान में है, ये क्रम है। अब एक शेर शेर आप मचल रहे हैं, एक रंग है, हुजूर बैठे हैं माशाल्लाह मेरे बड़े। ये आंखें इसलिए नहीं जाग रही कि मुमताज टांडा से आया है, इसलिए जाग रही है कि रेफर बिलफेर सोसाइटी ने आज जश्न मिलादुन्नबी का इनेकात किया है। ये किस्मत वाले लोग हैं। अब बाबू सुनना, क्या 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 हीरा 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 पसंद है ना, रहबर वेलफेयर सोसाइटी के देखिए सदर शाहिद साहब और सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं। चांद भाई सिक्योरिटी साहब आपसे नजर नहीं आ रहे हैं, अफजल खान साहब, अच्छा माशाल्लाह है ना, तो सारे लोग हैं, अल्लाह बरकत दे, माशाल्लाह मुस्कुरा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए एक शेर है रहबर वेलफेयर सोसाइटी के लिए, हाकिम मुतलक का जब फरमान जारी हो गया, हाकिम मुतलक का जब फरमान जारी हो गया, बादशाह वक्त जो था वो भिखारी हो गया, करबला वालों का देखो फैज जारी हो गया।
रजा कई जलसों पे भारी हो। अब मैं अपने रहबर वेलफेयर सोसाइटी के तमाम तरह राखी तमाम तरह मेंबर्स बाबू कहाँ जा रहे हैं? कहीं जा रहे हैं? अच्छा आप भी इशारा कर रहे हैं टांडवी, तुम भी घर चले जाओ। प्लीज ना जाओ दीवाने, बड़ी मोहब्बत से आता हूँ, बहुत दिल खोल के सुनाने की कोशिश करता हूँ। तब जमाना बुलाता है, ऐसे नहीं कोई किसी को बुला लेता है। इश्क से मोहब्बत से पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? एक शेर पढ़िए लेकिन इश्क में डूब के पढ़िए, मोहब्बत से पढ़िए, तब शायरी का हक अदा हो जाता है। तमाम उम्र की मेहनत वसूल हो जाए, बस एक नात का मिसरा कबूल हो जाए। ये ख्यालो फिक्र होनी चाहिए। या आप लोगों को मौला सलामत रखे, आपकी राहों में तो फरिश्ते पर भी जाते हैं दीवाने। बैठो ना, अब मैं पहुंचाता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। दिल खुश हो गया। इसी अंदाज से अगर आप लोग इजाजत दें तो एक मतला और पढ़ना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, सभी मुतफर्रिक अशआर आपके गोशे गुजार हो रहे हैं। इजाजत है, इजाजत है। बहुत पसंद किया गया वो मतला। यहाँ से मेरे भाई बोलना, हाथों को उठा करके पेश की तरह हाथों को बढ़ा के कहना, या रसूलुल्लाह, मजमा बहुत बेदार है तभी भाई, गढ़वा का ये इलाका, मुमताज ठाणवी का अशआर आपकी पाकीज़ा समाते हाजिर करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए, मोहब्बत से पार और कह दें या रसूलुल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। बैठना, इधर देखो, आना तो पीछे से आना, आगे से मत आना, बहुत तकलीफ होती है, है ना? एक टाइम मुझे खाना न तो चलेगा, लेकिन मेरे पढ़ते टाइम कोई उठ के जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है। मैं पहुंचाता हूं, क्योंकि हजरत यही सच्चाई है, शायर के लिए दादो तहसीन ही उसकी हिसाब हुआ करती है। मैं पहुंचाता हूँ मुलाहिज़ा फरमाए तबीब भाई, दिल खुश हो जाएगा। क्या जैसे अंगूठी का ये मुलाहिज़ा फरमाए हो, जैसे 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 अंगूठी का ये नगीना है बीच में, जैसे लोगों की दिल की आवाज है, तभी भाई भी यही चाहते हैं। आप फूल बरसाएं, फूल आप बरसाएं, लेकिन थोड़ा सा संभाल करके, मुझे शेर भी पढ़ना है। क्या क्या जाकिर भाई भी यही कह रहे हैं, सैयद साहब भी यही कह रहे हैं, मेरा भाई भी यही कह रहा, हजरत भी यही कह रहे हैं। क्या दिल 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 इस मोहल्ले से भी नारा लगना चाहिए, नारा बुलाना बोले दीवाने, वाह 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 वाह। बड़े भाई, एक शेर आपके हवाले से। सुभान अल्लाह, बैठेंगे ना?
अच्छा लगा बीच बीच इस कलाम को बहुत पसंद किया गया। अब एक शेर मैं अपने हजरत के हवाले से पढ़ता हूँ, तबीब भाई के हवाले से। ये हुसैनी मजमा है। दीवानों सब अपने हाथों को उठा के कह दो या हुसैन, मैं सुनाता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए, क्या क्या घोड़ा 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 बढ़े रहा घोड़ा बढ़े रहा घोड़ा बढ़े रहा मक्तल की संत जब इजाजत है एक शेर और पढ़ने और पढ़े और पढ़े और पढ़े बीच में पूरा मजमा एक मरतबा सरकार गौसे आजम के नाम पे हाथ उठाकर कह दो या गौसे आजम, और हाथ उठा के बोलो बाबा से या गौसे मदद, या गौसे मदद। मुमताज भाई जी जी करने सैराब वादिये हस्ती बहरे रहमत की मौज निकली है लेके हाथों में कादरी परचम गौसे आजम की फौज निकली है लेके हाथों में कादरी परचम गौसे आजम की फौज निकली है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। इजाजत है इजाजत है इजाजत है। लेके चलता हूँ ना अजमेर शरीफ, लेके चलता हूँ ना सोने के तरश वाले ख्वाजा के दरबार में।
माशाल्लाह पूरा वल्मा झूम के कह दो या हुसैन या हुसैन सरकार की आमद है माशाल्लाह। मुमताज दानवी साहब को आप सुनते रहेंगे, हमारे जो आज के विशिष्ट अतिथि गण थे, हमारे जिला सदर मदनी खान साहब, बिजली विभाग के विधायक प्रतिनिधि हमारे नसीम साहब और हमारे मुश्ताक साहब, सनाउल्लाह खान साहब, नईम साहब, फैजुल्लाह खान साहब और हमारे जितने भी नीलू भाई एजाजुल हक साहब, सारे हजरात तशरीफ ले जा रहे हैं। आप हजरात बैठे रहिएगा और इसी तरह से मुशायरा चलता रहेगा और आशिकों का ये नारा लगता रहेगा सुभान अल्लाह। पूरा मजमा झूम के कह दे सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इजाजत है भाई, पढ़ें जल्दी से हजरत। क्या अजमेर जाके देखा 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 अजमेर जाके देखा अजमेर जाके देखा अजमेर जाके देखा की शान पे थोड़ी मुशायरा होता है। जब शायर का शेर सामईन की समातें आपस में मुलाकात करती है तब मुशायरा होता है। मैं शेर में पहुंचाता हूं जिंदगी के साथ बोले क्या 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 अच्छा लगा। घबराने की बात नहीं है, जैसे हम उस नबी की उम्मत में हैं जिस उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया ने ख्वाहिश की, नबियों की आरज़ू थी कि किस्मत वफा करे उम्मत में मुस्तफा की जो पैदा खुदा करे वो रहमतें तमाम जो हम पर ज़िया करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा खुदा खुदा। मैं पहुंचाता हूं, हाजिर करता हूं एक शेर। तो दीवाने घबराने की कोई बात नहीं है। क्यों 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 इजाजत है। बहुत मुश्किल है नाथ के शेर कहना, नाथ के शेर लिखना और नाथ के शेर पढ़ना, इसलिए मैं अभी कल मुगलसराय में भी वही पढ़वाए। जब सब पढ़ चुके तो कहने लगे हो गया, अब आप नाना बुलंद पढ़ दीजिए। तो एक दीवानी है उस कलाम को लेकर, लेकिन बहुत नाजुक है इसलिए मैं कहता हूँ तभी भाई भाई
माशाल्लाह मैंने सोचा था कि इस अंदाज से इस लहजे से क्योंकि जब सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचेगा तो कहेंगे सब एक ही धुन में तो पढ़ दिए बातें होती हैं कमेंट्स हम लोग पढ़ा करते हैं मैंने सोचा था कि चार मिसरे सुनाऊंगा लेकिन गढ़वा के लोगों ने ऐसा मिजाज बना दिया कि मिसरे पे मिसरे मिसरे पे मिसरे शेर पे शेर होते गए एक कलाम मुकम्मल हुआ और तमाम तफातात मुकम्मल हुए है ना हजरत अब वो ख्वाहिश मैं जरूर पूरी करूंगा लेकिन आमदे सरकार है मेरे आका की आमद 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 एक कलाम मैं आका की आमद के हवाले से पढ़ना चाहता हूं ए बाबू बाबू ए बेटा पैर नीचे कर के बात मैकी ना जिक्र पीने का तस्करा कीजिए मदीने का तब पढ़ो नाथ सरवरे आलम पहले माहौल हो करीने का मैं पहुंचाता हूं मुलाजा फरमाए आपका दिल खुश हो जाएगा आप मेरा साथ दीजिए सुनना मेरे अजीज।